दगहा पुलिस ने लूट में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर हाटा बाजार रियाओ मोड़ के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मान सिंह पुत्र स्वर्गीय राम समुज निवासी पांड्यापार ढडवा थाना गोला जनपद गोरखपुर, दूसरा देवेंद्र उर्फ शती राम पुत्र राम निवास निवासी पांड्यापार डढ़वा थाना गोला जनपद गोरखपुर, तीसरा राजकुमार पुत्र स्वर्गीय महेंद्र यादव निवासी पांड्यापार डढ़वा थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, लूट का 2 मोबाइल, लूट का 30,770 रुपए तथा लूट में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में गगहा थाना प्रभारी जयंत कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव, उप निरीक्षक रविंद्रनाथ चौबे, हेड कांस्टेबल अनीश अहमद, कांस्टेबल अनिल कुमार पांडे, संतोष कुमार सिंह सहित रमेश प्रसाद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, भेज दिया था व्हाट्सएप कर। थाना गगहा क्षेत्र में लूट की एक घटना हुई थी, जिसमें शराब के ठेके से जो सेल्समैन है, जब वो जा रहा था घर को, तो उसके रास्ते में 3 बुलेट सवार बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया था, जिसमें लगभग 40,000 रुपए थे और 2 मोबाइल थे। लूट की इस घटना के संदर्भ में पुलिस की परंपरागत मुखबिरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस दोनों से इस घटना में शामिल लोगों को चिन्हित किया गया और गगहा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 3 अभियुक्त, 2 अदद मोबाइल और लूटे गए रुपयों में से 30,770 रुपये ये बरामद हो गए हैं। 1 अभियुक्त से 315 बोर का तमंचा भी मिला है। पहले पूछताछ में ये अपराधी स्वीकार कर रहे थे कि इनसे गफलत में ये घटना हो गई, लेकिन जब इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो इसमें से 2 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास है। 1 व्यक्ति राजकुमार के खिलाफ तो 1 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। इन अभियुक्तों को अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और बाद विवेचना और इनके आपराधिक इतिहास खंगाल करके इस प्रकरण में आरोप पत्र भेजने के साथ साथ इन्हें गैंगस्टर एक्ट जैसे अधिनियम में भी निरुद्ध करने के लिए पुलिस कार्यवाही करेगी।